विजय डाटा है, एमडी है विजय सॉल्वेक्स के। डाटा जी आप जरा बताएं, आप तो मस्टर्ड के बड़े प्लेयर हैं सर, सरसों को लेकर ही बातचीत हुई है, सरसों के दाम बहुत ज्यादा बढ़े थे, अभी भी दाम ऊपर ही हैं, सरसों तेल के भी और सरसों के भी, क्या फैसला होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या कुछ करने की गुंजाइश सरकार के पास बची है? देखिए गवर्नमेंट ने, जैसे यूपी गवर्नमेंट ने सोयाबीन रिफाइंड की सप्लाई शुरू की है फ्री में, गवर्नमेंट नाफेड के थ्रू इन्होंने प्रोक्योरमेंट किया है, इसी तरीके से मस्टर्ड पे भी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। हम पिछले 6 महीने से गवर्नमेंट को राय दे रहे हैं कि आप पीडीएस के थ्रू नीचे भाव में तेल दीजिए, फ्री भले ही मत दीजिए, अच्छा। लेकिन अगर 40-50 रुपए के लोग की सब्सिडी भी देते हैं तो कस्टमर को, कंज्यूमर को एक अच्छा रिलीफ मिलता है। और आवश्यकता है, देखिए अच्छे भाव है, इसकी वजह से किसानों ने अपना काम कर दिया है, पैदावार सोयाबीन ग्राउंडनट और मस्टर्ड की भी रिकॉर्ड होने वाली है। अब देश में आत्मनिर्भरता भी बढ़ानी है, इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस भी कम करनी है, राइट सर, तो ये बैलेंस तो रखना ही होगा। और इस तरीके से पीडीएस के थ्रू ही गवर्नमेंट को सस्ता तेल देने की कार्यवाही करनी चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि एक तो तरीका ये हो सकता है कि पीडीएस के जरिए तेल सरकार सप्लाई करे ताकि लोगों को राहत मिले। अगर मैं आपसे पूछूं डाटा जी कि अगर सरकार का ये टारगेट पूरा हो जाता है बुआई का भी प्रोडक्शन का भी, तब प्राइस क्या होगा मस्टर्ड का नेक्स्ट सीजन में? मैं दावे से कह सकता हूं कि सरसों को जो भाव है वो 120-125 रुपए किलो हो जाएंगे आराम से। अच्छा, जब सीजन पे फसल का दबाव आएगा, क्योंकि 20% जिस तरीके से ग्रोथ है मतलब पैदावार में, तो सीजन पे किसान, क्योंकि ये तेल की क्रॉप है, सोयाबीन क्या है मील की क्रॉप है और मील में तेजी आ जाती है और वो विदेशों पे इम्पोर्ट नहीं होती है, लेकिन तेल इम्पोर्ट हो जाता है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल के दाम सोयाबीन और इन तेलों के दाम के बराबर ही आ जाएंगे। और 120-125 रुपए किलो जब सरसों का अराइवल का प्रेशर आएगा तो 120-125 रुपए किलो आराम से हो जाएगा। 120-125 रुपए किलो आप कह रहे हैं सर सरसों तेल का भाव आ जाएगा। अभी क्या रेट चल रहा है सर सरसों तेल का? अभी सरसों तेल का दाम होलसेल में 170 रुपए किलो है। और रिटेल में सर? रिटेल तो डिपेंड करता है क्या भाव रिटेलर बेचते होंगे, 190-200 रुपए के करीब। 190-200 रुपए, तो ये जो आप 120-125 बता रहे हैं ये रिटेल के दाम बता रहे हैं या होलसेल के? नहीं, होलसेल के दाम बता रहे हैं। रिटेल में क्या हो जाएगा सर फिर? नहीं देखिए, एक लीटर जो होता है ना वो 910 ग्राम का होता है। अच्छा, मार्केट में जनरली लीटर बिकता है, हाँ, तो 130-140 रुपए लीटर की बोतल आराम से मिल जानी चाहिए। मतलब ये आप कह रहे हैं कि फरवरी तक 50 रुपए प्रति लीटर सरसों तेल के दाम कम हो सकते हैं, राइट सर? जी हाँ, आई एम श्योर। चलिए आपके मुंह में घी शक्कर सर, कंज्यूमर के लिए अच्छी बात बता रहे हैं आप लोग कि 50 रुपए सरसों तेल के दाम प्रति लीटर जब नई क्रॉप आ जाएगी फरवरी में तब दाम कम हो सकते हैं। उसके पीछे की वजह आप देख पा रहे हैं साइड स्क्रीन पर, हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बुआई हो रही है सरसों की, बहुत, और बुआई इतनी हो रही है कि सीड के लिए मारामारी हो रही है। जो किसान है जो जब सरसों की बुआई करने जा रहे हैं तो वो महंगे भाव पर सीड खरीद कर सरसों की बुआई कर रहे हैं, और इसके और इसका साइड इफेक्ट ये है कि बाकी कई जो मसाले की क्रॉप है उसकी खेती कम हो गई है, जीरे की बुआई कम हो गई है, ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। डाटा जी आपका अपना अनुमान क्या है सर? देखिए सरसों की पैदावार मेरा टारगेट 105 से 110 लाख टन के बीच में है आज की तारीख में। इसके दो तीन रीजन बता देता हूँ। तो पहला, एरिया करीब 30-35% बढ़ रहा है। दूसरा, वेदर मैंने पिछले 20-30 सालों में इतना अच्छा कभी नहीं देखा। सोइंग के टाइम से ही करीब 20-25 दिन इस साल सर्दी के ज्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि एक तो लेट बारिश होती रही है, दूसरे पहाड़ों में बर्फ जल्दी गिरनी शुरू हो गई है 20-25 दिन पहले। तो वेदर बहुत ही फेवरेबल है, पेड़ बहुत अच्छा मजबूत खड़ा हो रहा है और इसकी ग्रोथ इसी तरीके से चलती रही तो आराम से 30% के करीब रिकवरी बढ़ने वाली है। तो 105 से 110 लाख टन सरसों की पैदावार होगी। अच्छा, तो लास्ट ईयर 85 थी। अच्छा, गवर्नमेंट के आंकड़े हमारे थोड़े डिफर करते हैं ट्रेड के, लेकिन ये भी हमारे लिए बहुत मतलब सरसों के लिए, क्रशिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और तेलों के दाम आराम से इस भाव में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डाटा जी आपका।